आज हम पढ़ने जा रहे हैं हंट्स डिकर रिएक्शन। हंट्स डिकर रिएक्शन RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा के इसकी जगह एक क्लोराइड ग्रुप यानी कि हेलोजन लगा देती है। अब जनरली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए इसको जो रिएक्शन एजेंट्स की जरूरत है वो ये तीन होते हैं, AgOH, Br2CCl4 प्लस ऑल्सो हीटिंग। CCl4 का एक ही वर्क होता है CCl4 एंड हीटिंग का, FR फ्री रेडिकल बनाने का। तो सबसे पहले ये AgOH रिएक्ट करेगा, ये AgOH सबसे पहले डिकम्पोज करेगा Ag++OH- आयन से। ये Ag यहाँ पर अटैक करेगा, OH- आयन इधर अटैक करके H को ले जाएंगे और H2O यानी कि HOH वाटर डेवलप कर देंगे। इसी के साथ साथ RC डबल बॉन्डेड O माइनस के साथ Ag प्लस एक आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे ये Br के साथ होगा, ये Br से तोड़ेगा Ag और बाहर बनेगा हमारे पास AgBr जो कि एक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में से एक है। और जो एक Gr बच गया वो जाके O के साथ कंबाइन होके ये वाला कंपाउंड बना लेगा, RC डबल बॉन्डेड O OBr। अब देखो ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर हिंडर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये लोन पेयर हिंडरेंस रोकने के लिए CCl4 हीटिंग डॉट डेवलप कर देगी यहाँ पे। अब देखो ये Br ऐसे ही किसी दूसरे Br डॉट के साथ कंबाइन करके Br2 गैस नहीं बना सकता, एंट्रोपी सपोर्ट नहीं करेगी। ये रिएक्शन वापस पीछे भी नहीं जा सकती क्योंकि एंट्रोपी सपोर्ट नहीं करती है। तो इस रिएक्शन को अगर हमें आगे भेजना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है CO2 गैस को लिबरेट कर दो। जैसे ही देखो ये एक CO2 बन रहा है ना, ये CO2 जैसे ही निकला R डॉट बना, ये R डॉट इस Br डॉट के साथ कंबाइन करके RBr बना लेगा। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि पूरी केमिस्ट्री में ज़्यादातर देखने को मिली जाते हैं एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शन है आई के साथ। अगर एजेंट यहाँ पर I2 डाल दिया जाए तो इस रिएक्शन ये बिल्कुल वैसी ही होगी इस स्टेज तक आने तक, तो ये रिएक्शन वैसे ही चलेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि देखो जैसे मैंने बताया था कि I2 का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि क्या है कि कोई I2 क्यों टूटे रिएक्टेंट में और बाद में जाके प्रोडक्ट में भी वही I2 बनाए। तो देखो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली दोनों ऐसी टाइप की एब्जर्ड या एबनॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट नहीं होती हैं, तो ये इसलिए ऐसा एक I2 नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे CO2 जैसे ही लिबरेट होगी तो इस रिएक्शन के लिए मात्र, इस रिएक्शन में देखो नहीं जा सकते थे पीछे, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन का लोन पेयर हिंड्रेंस कर जाता है जो कि I2 की साइज बहुत बड़ी है और बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली अंदर गुम हो जाते हैं, इसलिए ये I और I कंबाइन होकर I2 बना लेंगे। ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं था लेकिन यहाँ पॉसिबल है। एक CO2 लिबरेट हुआ, R डॉट बना, ये R डॉट, अब ये R डॉट एक ऐसे ही RCOO डॉट के साथ कंबाइन करके RCOOR नाम का प्रोडक्ट बना लेता है। ये इस रिएक्शन का एक्सेप्शन है कि I डॉट एक और ऐसी I डॉट के साथ कंबाइन करके I2 बना लेता है, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो सपोर्टिंग है। इन जगहों पर रिएक्शन की एंथैल्पी इस साइड सपोर्ट नहीं कर रही थी लेकिन यहाँ कर जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को इस टाइप से जाना पड़ता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से सवाल के चलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, तो ये एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप समझो कि जैसे ही CO2 निकला तो यहाँ पर एक C14 कार्बन है, डबली बॉन्डेड C के साथ एक डॉट, रेजोनेंस फॉर्मेशन, ये रेजोनेंस फॉर्मेशन होगी। C14 वाले कार्बन पर भी एक डॉट आएगा और डबल बॉन्डेड यहाँ, इससे और इससे दोनों से ही अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट 14 वाला कार्बन और एक ऐसा बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, सी डबली बॉन्डेड सी सी डॉट होने के कारण। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं देखने और समझने वाली बात है, कई लोग बहुत गलती से इस सवाल की ओर अगर हम देखें तो कई लोग बहुत गलती से कहते हैं कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, पर ये गलत है। इन रियलिटी यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। कैसे ये 8 बन रहे हैं अब मैं ये जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप यहाँ नीचे समझो,
ठीक है, इस जगह पे एक तो प्रोडक्ट जो आपको समझ में आ रहा होगा वो यहां पे बीआर हो जाएगा, और एक और जो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है वो जो जनरली बस एक बीआर अटैच हो जाए ऐसा, ये रेजोनेंस के कारण, ये नॉर्मल वाला, मतलब जो नॉर्मल वाला है ना, रेजोनेंस तो दोनों साइड में हो रहा है, पर यहां पे आप देखो तो एक तो सीधा डायरेक्ट बीआर यहां पर जुड़ गया तो वो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, और एक में जैसे ही रेजोनेंस होगा ये डॉट खिसक के जब इस कार्बन पर आएगा इस वाले पे, तो जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब अच्छे से देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डेवलप हो रहे हैं यहां पे, यहां पर एक ईजेड है और यहां पर एक ईजेड है, तो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिसिटी के कारण चार यहां पे चार यहां पे, 8 प्रोडक्ट्स की वो बन जाएंगे, क्योंकि ई जेड एक कॉम्बिनेशन, जेड ई एक कॉम्बिनेशन, तो इस हिसाब से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, मूविंग टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, इस रिएक्शन की रेट वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रेट्स में से होती है, द रीजन इज कि ये रिएक्शन इस रिएक्शन में दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा यहां पर बी आर, और एक और प्रोडक्ट बनेगा यहां वाला बी आर। ठीक है, तो ये एक माइनर है और ये एक मेजर प्रोडक्ट है। द रीजन इज कि यहां पे जो डॉट बना था वो 6 कार्बन रिंग एरोमेटिसिटी के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, और यहां वाला सिर्फ 3 कार्बन चेन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। इनफैक्ट ये इतना कम बनता है कि आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता है, और ये वाला सवाल उस एक्सेप्शन पे बेस्ड था। यहां पे गौर से देखा जाए तो I2 लिखा हुआ है, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCOOR वाली एक कैटेगरी का बनेगा। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हम ET बना हुआ है यहां पे, तो ETCOOET ऐसे लिख लेते हैं। और अगर आपको हंड्सडिकर के अलावा वुड्स रिएक्शन, अकाइलिन कंडीशंस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में जानना है, सो देन कीप इन टच विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।